तो फ्रेंड आज आपका भाई लवरवाइज बताने वाला है आज इस वीडियो में लड़कियों की कमजोरियों के बारे में। जी हाँ भाई मेरे, आप सभी लोगों ने बहुत डिमांड किया कि सर इसके ऊपर पार्ट टू बनाइए, पार्ट टू बनाइए। तो फ्रेंड ये पार्ट टू है, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हो, मगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए पहले। तो आज की वीडियो में फ्रेंड आपको बताने वाला हूँ लड़कियों की प्यार में कुछ ऐसी कमजोरी के बारे में जिससे लड़कियां बहुत ही ज़्यादा डरती हैं, और अगर आप फ्रेंड इस पॉइंट को समझ लेते हो तो आप दोनों का प्यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और फ्रेंड आज की इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप सच बातों को जान सके, इतना ही नहीं अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो तो उस प्यार को समझ भी सके, तो इसलिए भी इस वीडियो को बना रहा हूं। तो भाई अगर आपका दिल साफ है, अपने सच्चे दिल से प्यार किया है, तो इस वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। खैर जिसमें नंबर वन पॉइंट है फ्रेंड, आपको मैं बता दूं कि लड़कियां ना बहुत ही ज़्यादा डरती है, अगर कहा जाए लड़की की बहुत ही बड़ी कमजोरी होती है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझसे बोर ना हो जाए। जी हाँ भाई, आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा कि लड़कियां जल्दी भाई आपको नहीं भुला सकती है। अगर आप किसी लड़की से बात करते हो, अच्छी तरीके से बात करते हो, आप दोनों की बॉन्डिंग बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता है, उसके बाद अगर आप उसे कहते हो कि मेरे को यहाँ जाना है वहाँ जाना है, अब मैं आपसे बातें नहीं कर सकता, तो लड़की भाई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। यहाँ पर लड़की को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और बहुत सी लड़की लोग तो इसी चीज़ के लिए मुझे कमेंट करती है भाई। तो आप इस बात को समझो कि लड़की को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, या फिर कहा लड़की की बहुत ही बड़ी कमजोर पार्ट है ये कि कहीं मेरा पार्टनर मुझसे बोर ना हो जाए, कहीं मेरे पार्टनर का मुझसे मन ना भर जाए फ्रेंड। ये बातें सोच के वो काफ़ी टाइम तक डिस्टर्ब रहती है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है कि जो उसको काम कर रहा है वो काम भी सही से नहीं कर पाती है भाई। हाँ यहाँ पर फ्रेंड आप ये कर सकते हो कि उसे दिखा सकते हो, मतलब दिखावटी वाली जिंदगी जी सकते हो उसके सामने कि मैं तुमसे बोर हो रहा हूँ, मगर फ्रेंड रियलाइज मत कभी करवा देना उसे कि मैं वाकई में आपसे बोर हो चुका हूँ, नहीं तो भाई आपके पार्टनर कहीं के नहीं रहेगी भाई। तो आप आई होप आप इस पॉइंट को समझोगे, और आगे चल के आप अपने पार्टनर से उतना ही प्यार करो जितना प्यार आपके पार्टनर आपके साथ कर रही है। दूसरा जो फ्रेंड पॉइंट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि अगर आप किसी लड़की को अपनी बात मनवाना चाहते हैं ना फ्रेंड, तो आप चाहो तो उसे इमोशनली तरीके से समझा सकते हो। जी हाँ, लड़कियों की बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि इमोशनल में बहुत ही जल्दी आ जाती हो। अगर आप उसे कुछ कहना चाहते हो तो अगर इमोशनली आप कहते हो तो आपकी बातें वो समझना चाहेगी, आपके साथ उस बातें को शेयर भी करना चाहिए फ्रेंड। तो लड़की की सबसे बड़ी ये भी कमजोरी होती है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है ना, कहीं आप ये सोच लो कि भाई लड़की लोग तो बहुत कमजोर होती है, लड़की लोगों के अंदर तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होता है, समझदारी नहीं होती। भाई समझदार वो बहुत होती है, मगर क्या होता है उसका कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट होता है, वो वीक पॉइंट इमोशनल अटैचमेंट से ही जुड़ा होता है फ्रेंड। इसके चलते अगर आप उसे कुछ कह रहे हो, बहुत से बंदे लोग को आपने देखा भी होगा कि अपने पार्टनर को कुछ भी चीज कन्वेंस करने के लिए बहुत ही बार इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि बाबू तुम मुझसे प्यार नहीं करती, अगर प्यार करती हो तो इतना नहीं कर सकती मेरे लिए, तो फ्रेंड लास्ट में वो उसके लिए वो चीज कर देती है। अब चाहे वो होमवर्क करना हो, अब उसकी हेल्प करना हो, या उसके साथ कहीं घूमने जाना हो, मतलब कुछ भी हो, तो इमोशनल फ्रेंड सबसे बड़ा पॉइंट होता है। और इस पॉइंट का बहुत से मेरे दोस्त लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, तो भाई ऐसा नहीं करिए, क्योंकि ये इस्तेमाल करके आप अपने पार्टनर के सामने वैल्यू एक दिन खो बैठोगे, समझ रहे हो ना भाई। जरूरत पड़ने पर आप इसको इस्तेमाल करिए, हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो मेरे यार। तो आई होप आपने इस दूसरे पॉइंट को भी समझा होगा सही तरीके से। अब जो तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, बहुत ही डिमांड है, और बहुत ही ज्यादा इस बातों पे कंप्लेन भी आ रही है मेरे को कि सर मैं अपने पार्टनर को कहता हूं कि एक बार फिजिकल हो जाने के लिए, फिर भी वो मुझसे नहीं हो रही है, मैं उसे कहने कहते थक गया हूं फिर भी मुझसे नहीं बात मानती है, तो क्या सर ये मुझसे प्यार नहीं करती है, मतलब इसको बहुत ही अपने आप पे घमंड है। तो भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, लड़की के सबसे बड़े पॉइंट ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है कि जो मेरी मतलब अंदर की जो आत्मा है वो मैं उसको सौंपूंगी, जो मेरे साथ रहेगा, जो मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, जो मेरा मतलब हस्बैंड होगा, उसके साथ में ये सब चीज कर सकती हूँ। अब फ्रेंड यहाँ पे मैं अगर खुलकर समझाना चाहूँ तो कैसे कहूँ, जैसे कि फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में आप कहते हो ना मुझे, तो भाई ये ज़्यादातर उन्हीं के साथ बनाना चाहती है जो उनके हस्बैंड होते हैं या फिर जो उनका लाइफ पार्टनर होता है फ्रेंड। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपसे प्यार नहीं करती, आपसे वो नहीं करती, ये नहीं करती, मगर एक समझदार लड़की जो सच्चे दिल से आपसे प्यार कर रही होगी ना, उसके अंदर इतनी समझदारी होगी कि ये सब चीज़ करने से पहले एक बार ये भी सोचेगी कि मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे लेकर लॉयल है। तो हाँ अगर आप इमोशनल ब्लैकमेल करते हो तो वो कर सकती है, मगर नहीं कर रहे हो तो फिर भी मतलब जिद करती हो कि नहीं मैं ये सब नहीं कर सकती, ये सब अगर करना है आपको तो शादी की बात करेंगे, तो मतलब कि आपकी पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करती है। फ़र्क बस इतना है कि अपनी वो वर्जिनिटी जो पता नहीं क्या कहते हैं भाई, इतना तो भाई को इंग्लिश नहीं आती, खैर मतलब जो भी अपना वो है रूबरू वो सौंपना नहीं चाहती आपको। तो आई होप आप समझ गए होंगे भाई, तो इससे आप जज नहीं कर सकते लड़की को कि क्या वो आपसे उतना प्यार करती है या नहीं करती। और ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है लड़की का कि जल्दी वो अपनी इज्जत किसी को नहीं सौंपती है भाई, तो आप इस बात को समझिए और ज़्यादा फोर्स ना करिए। आई होप आपने इस बात को समझा होगा भाई। जो इस बॉयज़ ने देखा होगा तो शायद हो सकता है उनको थोड़ा गुस्सा आया हो, थोड़ा उनका मूड अप हुआ हो, मगर भाई देखो सच तो सच बात है, ऐसा नहीं है कि मैंने लड़की की डिमांड पर वीडियो बनाया, भाई लड़के लोगों ने भी कहा था तो मैंने उसके डिमांड पर बनाया। अब आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को गलत इस्तेमाल करेंगे या फिर सही इस्तेमाल करेंगे। भाई मेरा काम था आपको बताने का, अब अगर आप समझदार बंदे होंगे जिसका
दिल साफ होगा वो इस वीडियो पे लाइक करेगा, ठीक है भाई। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना। अगर वीडियो लगे एजुकेशन वाली तो दोस्त यार के साथ शेयर जरूर करिएगा भाई। और कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपसे बात करनी हो तो पूरी मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर, भाई इस टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द बना देगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।